फ्रेंड्स, आए वेलकम देखने वाले हैं कि इस लूनर एक्लिप्स के बाद आप लोगों की लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। ये जो एक्लिप्स होने वाला है, चंद्र ग्रहण होने वाला है, क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं इसके बाद आप लोगों की लाइफ में। हैंगमैन, हेरोफेंट, द मून एंड मैजिशियन। देखिए, फुल मून का ग्रहण है और मून की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, इसका आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है, काफ़ी लोग जो हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में स्टक थे, जो वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड काफ़ी लोग नेगेटिविटी को रिलीज़ करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी लोग अपने जो अंदर उनकी जो सुपर नेचुरल पावर है या जो स्पिरिचुअल पावर है, लोगों की उभर उभर के बाहर आने वाली है। लोगों की साइकिक एबिलिटी बढ़ने वाली है, इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है, मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ने वाली है। और जो बहुत ज़्यादा स्टक थे, मतलब अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो आगे बढ़ेंगे। स्पेशली जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो हमारे लाइट वर्कर्स हैं, तो वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हैं। हैंगमैन को काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, कोई विश का, वो फुलफ़िल हो जाएगी आपकी, ठीक है। काफ़ी टाइम से स्टक थे, आपकी कोई विश थी कि वो पूरी हो जाए, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है, और कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है लाइफ में, कोई ग्रोथ मिल सकती है करियर में या रिलेशनशिप में। मैरिज का भी यहाँ पे दिख रहा है, हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे, मून की एनर्जी के साथ है, एट ऑफ कप्स। तो आई थिंक कुछ ना कुछ नेगेटिविटी को छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, या कुछ नेगेटिव लोग हैं या कुछ नेगेटिव डिज़ायर हैं, उन चीज़ों को पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। लेकिन आगे बढ़ते ही लेसन्स हैं अभी, क्योंकि यहाँ से आपने यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। आपने एक इंडिपेंडेंट, यू नो, अब्यूडेंट भरी लाइफ जीनी है, एक आपने अकेले इंडिपेंडेंटली जीना है, तो उसके लिए पहले आपको ये लेसन्स का सामना करना पड़ेगा। तो अभी भी अगर मैं आपको कहूँ तो अभी भी आपकी लाइफ में थोड़े से लेसन बाकी है, कुछ शेडो हीलिंग है, वो काफ़ी है, आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। ओवरऑल आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करके अभी एक्सप्लोर करने निकलोगे न्यू वर्ल्ड को, तो न्यू वर्ल्ड भी आपको कुछ ना कुछ बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे सडन, बिकॉज देखिए यहाँ पे हर एक कप में कुछ ना कुछ है, ठीक है ना। कहीं पे रेप्टिलियन है, कहीं पे जेम्स हैं, ठीक है, कहीं पे स्नेक है। तो आपको सोच समझ के, मतलब आपको किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी आप उस तरफ जा रहे हो जहाँ पे बहुत कुछ है, हिडन है। तो धीरे धीरे लोगों के मास्क उतरेंगे एंड आप फिर इतना फेडअप हो जाओगे, फिर आप अपने आप में खुद ही सेल्फ में इतना लग जाओगे कि आप खुद ही इतना हाई लेवल पे पहुंच जाओगे अकेले कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर ये है कि अभी भी आपको थोड़े से लेसन बाकी है, तो आपको सोच समझ के कोई भी डिसीज़न लेना है, क्योंकि नेगेटिविटी आएगी आपको हिलाने के लिए, आपको टेस्ट, क्योंकि आपके टेस्ट चाहिए सब, तो वो आपको वो क्लियर करोगे, लाइफ में कुछ सीखोगे, उसके बाद आपको ऐसी लाइफ मिलेगी जहाँ पे सब कुछ है एंड आप बहुत खुश हो अपने में, एक इनर वर्ल्ड, अपने ही नो अपने ही वर्ल्ड में, मी वर्ल्ड में आप बहुत खुश रहने वाले हो। बट उससे पहले आपको ये लेसन्स का सामना करना पड़ेगा। तो आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना ब्लाइंडली, क्योंकि बहुत तरह के लोग बहुत तरह के मास्क पहन के आएंगे आपकी लाइफ में,
बट ये है कि इस एक्लिप्स के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक थे अपनी लाइफ में, तो उस चीज़ में आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे आप जैसे स्टक थे बीच में, उस चीज़ से आगे बढ़ोगे, या फिर आपके कुछ ऐसे डिज़ायर थे जो नेगेटिव थे, तो आप उसको छोड़ दोगे, उसको सेक्रीफाइस करके ना आप आगे बढ़ जाओगे। या आपकी ऐसे लोगों से दोस्ती थी, रिलेशनशिप थे, जो आपको लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपका नीचे गिरा रहे थे, उन लोगों से आप आगे बढ़ जाओगे। पर आगे बढ़ के भी अभी आपको बहुत सारी दुनिया देखनी है, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ देखना है, सीखना है। तो बट ये है कि इन लेसन्स के बाद आप ऐसी लाइफ में, मतलब जैसे ऐसे पर्सन बन जाओगे कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग होता है ना, वो बन जाओगे आप, इंडिपेंडेंट इंसान बन जाओगे, जो खुद में ही कंप्लीट है, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं बाकी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है इस एक्लिप्स की, ये जो होने वाला है इसके लिए, कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, डिटैचमेंट, जैसे कि मैंने कहा, आपको किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड आपको रिलीज़ करना है। जैसे आप रिलीज़ करोगे, मैंने आपको पहले ही बोला, तो यहाँ पे अफर्मेशन है, तो आप ये अफर्मेशन बोल सकते हो, आई रिलीज एवरीवन एंड एवरीथिंग, माय स्पिरिट इज़ फ्री। तो आपको ऐसे बंधनों से आज़ाद होना है, ऐसे लोगों से जो आपकी सोल ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, एंड ये होगा भी। तो आपको डिटैच होना है, किसी पे इमोशनली किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना, आपने इंडिपेंडेंट रहना है, उनको लेसन समझ के छोड़ देना है। होपोनोपो की प्रेयर भी कर सकते हैं, होपोनोपो की प्रेयर होती है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड उन लोगों को रिलीज़ कर देना अपनी लाइफ से। पर्पस, यस, इन सब चीज़ों के बाद आप अपने सोल पर्पस पे लग जाओगे। ठीक है, और आपको एक रीज़न मिल जाएगा, अर्थ पे क्यों आए हो, क्या करने आए हो। तो इन सब चीज़ों के बाद ये होने वाला है, इस एक्लिप्स के बाद काफ़ी लोग अपने सोल पर्पस पे लग जाएंगे और अपने सोल पर्पस पे काम करने लगेंगे। तो आप ये भी अफर्मेशन बोल सकते हो, आई एम स्ट्रांग एंड डिटरमाइंड। तो आपको बस स्ट्रांग होना है, डिटैच होना है, और अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना है। डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो ये है गाइडेंस आप लोगों के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।